देख, अगर ये काम इंतकाल से पहले किया गया हो, कुछ महीने पहले, आप बीमार हो गए, इंतकाल का लग रहा है कि मर जाऊंगा, तब तो ये प्रॉपर्टी विरासत बनेगी और सबको मिलेगा। लेकिन जिंदगी में कभी किया गया, फॉर एग्जाम्पल जब अब्बा 30 40 साल 50 साल के थे, जब कर दिए थे काम, मरे 70 80 साल में, और दे दिए थे भाइयों को, सौंप, बहनों ने बोला ठीक है दे दो, इस सूरत में बाप को जालिम माना जाएगा, नाइंसाफ माना जाएगा कि उसने तोहफा सिर्फ बेटों को दिया, बेटियों को नहीं। दोनों में फर्क, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु बिस्तर पर है, इंतकाल का डर है, अब इंतकाल हो जाए, पूछ रहे पूरी दे दूंगा, कहा नहीं आधी दे दूंगा, एक तिहाई तो कहते। लेकिन अगर जिंदगी में, साद बिन अबी वक्कास पूरा खर्च करना चाहते हो, कैसला मना करता नहीं करता? हद अबू बकर ने खर्च किया जंगे मुता के टाइम पे, हद उमर ने 50% खर्च किया, नहीं, ये कंसिडर। तो अगर वालिद बिल्कुल इंतकाल से करीब और ऐसा फैसला करे तो इसको विरासत ही माना जाएगा, इंतकाल के बाद हिसाब पूरे। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।